अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने पीसी या लैपटॉप पे मौजूद वायरस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं और अपने लैपटॉप की स्पीड को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। ये सिर्फ मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बता दूंगा ताकि आप अपने पीसी या लैपटॉप की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करें। वो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सर्च करना है रन। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च बार शो हो रहा होगा, हमने यहाँ पर टाइप करना है PREFET प्रीफेच। टाइप करने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू की परमिशन दे देनी है और यहाँ पर जो भी फाइल शो हो रही होगी ये वो फाइल है जो वायरस है और आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है। तो हमने करना क्या है, ये जो सब फाइल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये टोटल कितनी फाइल्स हैं देखते हैं, ये टोटल 217 फाइल हैं, ये सब की सब वायरस हैं। अब हमने इसको डिलीट कर लेना है और जो भी एक या दो फाइल्स डिलीट ना होगी ये मुकम्मल तौर पर अभी वायरस नहीं बना। जब ये वायरस बनेगा तो तब ये डिलीट हो जाएगी। हमने इसको स्किप कर देना है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले हमने जाकर फिर रिसाइकल बिन से जो भी वायरस था हमने डिलीट किया उसको एम्प्टी कर देना है ताकि वो फिर से रिस्टोर ना हो जाए उस फोल्डर में। तो दूसरे स्टेप में हमने करना क्या है कि हमने सर्च बार में रन टाइप करना है। रन टाइप करने के बाद इधर रन में हमने टाइप करना है परसेंटेज TEMP टेम्प परसेंटेज। ये टाइप करने के बाद हमने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे जो आपको यहाँ पर फोल्डर या जो भी फाइल शो हो रही होगी ये सब के सब वायरस हैं जो आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पीड को स्लो कर रही है। अब हमने करना क्या है, हमने इन सब को डिलीट करना है। यहाँ पर आपको लो फाइल शो हो रही होगी, इस फाइल में आपके जो सिस्टम की वो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। कभी कभार आप किसी फोल्डर को ओपन कर लगते हैं तो वो ओपन नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमने करना क्या है, इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको डिलीट कर देना है। हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो रही है। अब इनमें से कुछ जो फाइल्स हैं वो डिलीट नहीं हो रही है। हमने इसको करना क्या है, डू ऑल दिस, इसको ट्राई अगेन करें, अगर नहीं होती तो इसको स्किप कर दें क्योंकि ये अभी पूरी तरह वायरस नहीं बनी। जब ये फाइल्स मुकम्मल हो जाएंगी तब ये डिलीट हो जाएंगी, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने इसको दोबारा से 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से ट्राई करना है, जो फाइल्स रहती हैं उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आपने रिसाइकल बिन में जाना है और इसको एम्प्टी कर देना है। और जो तीसरा मेथड है उसमें आपने फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है रन। रन टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है। पहले आपने टाइप किया था परसेंटेज टेम्प, अब आपने परसेंटेज नहीं लगानी, आपने सीधा टेम्प टाइप करना है और टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने परमिशन देनी है। और यहाँ पर जो आपको फोल्डर शो हो रहेगी वो फोल्डर हो गए जो वायरस बने हुए हैं तो टेम्प में पड़े हुए हैं। अब आपने इसको करना क्या है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है।
ये तमाम फोल्डर डिलीट हो चुके हैं। अब आपने इसको यहाँ से रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इस तरह आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।